बस 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 अब भाई। रामपुर का सरपंच आजकल कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है, ठिकाने लगा दे उसे। कांड होने के बाद कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाना। ठीक भाई। ए, गेम बजाना अपने को किसी का, ठीक है? टोन मत हो जाना। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। क्या भैया, आप भी काम के वक्त भी कोई पीता है भला? अरे भैरव भोले, बिना पिए इमोशन में नहीं बह जाएंगे हा? फिर काटने में आनाकारी कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और भाई अपन पर पूरा भरोसा करते हैं। चलो रे, टाइम हो गया निकलने का। ठीक है, काम करके आइए। हाँ, साथ में रख लेना। देखा मामा, इसे कहते हैं वफादारी। काम करो तो इनकी तरह, जान लगा देते हैं मालिक के लिए। इतने अच्छे लोग मिले हैं, इसीलिए तो राठौड़ साहब आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाए हैं। सही बोला। जरा सोचिए मामा, पेड़ काटते हैं लेकिन इस बात का भी उन्हें अफसोस है कि पेड़ को चोट पहुंचती है। कितने अच्छे लोग हैं, खुशकिस्मत है हम ऐसी जगह पर काम करने का मौका मिला। ऊपर वाले की कृपा है। चलो जरा दो घूंट मार लूं क्या? मना करूंगा तो मानोगे? बाहर जाकर पियोगे वो महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं पी लो। बेहोश हो गए तो उठाऊंगा नहीं। पिता नहीं, मुझे भी रोकता है। आराम। बेटा इतना क्यों रो रहा है तू? अरे क्यों रो रहा है इतना? पता नहीं, शायद भूख लगी है इसे। अरे तो घर से दूध पिलाकर लाना था ना। पिलाकर ले आई हूँ जी, मत रो बेटा। ना मुझे तो, क्यों रो रहा है इतना? अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुप हो जा, चुप हो जा, बिल्कुल चुप। अरे लाइए मुझे दीजिए। अरे लाइए ना, ऐसे बहुत बच्चों को चुप कराया है मैंने। लाइए छोड़िए। अरे मेरा प्यारा बच्चा, क्या हुआ क्या हुआ? ऐसे ले गया हमारे बच्चे को। अरे शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ बेटा, नहीं रोते। शांत हो जाओ। अरे रे 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 रे, जान 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 बेटा। अरे मेरा राजा बेटा। चुप 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 बेटा, शांत हो जाओ। अरे कुछ नहीं हुआ। बच्चे को इतना रोते हुए देखकर मैं पूजा छोड़कर चला आया। अब देखो इसने कैसे आराम से चुप करा दिया है बच्चे को। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इसने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, स्वयं उस भगवान को दूध पिलाया है। इसे उस भगवान का अवश्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये लीजिए। शांत हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो भोलेनाथ ने किया। कहते हैं हर चीज पे नाम लिखा होता है कि वो किसके पास जानी चाहिए। ये लीजिए। नहीं नहीं, ये तुम्हारा, तुम ही रखो भैया। नहीं नहीं, आप रखिए ना। मेरी माँ ने इसलिए बांधा था ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। मुझसे ज्यादा तो इस बच्चे को इसकी जरूरत है। आप इसे ही बांधे रखिए, रोज इसकी नजर उतारना मत भूलिएगा। मेरी माँ कहती है कि छोटे बच्चों को जल्दी नजर लग जाती है। अच्छा नमस्ते। एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। बोलो। बच्चे के साथ बाहर निकलो तो खाने पीने का सामान लेकर निकलो, पता नहीं बच्चे को कब भूख लग जाए, परेशानी नहीं होगी। अच्छा चलता हूँ। ठीक है भैया। अरे आप, मैं आप ही से मिलने तो यहाँ आया था। मुझसे मिलने आए थे? हाँ, आपसे काम था, एक चिट्ठी जो लिखवानी थी आपसे। क्यों, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता? अरे पढ़ना तो मुझे बहुत आता है, बस लिखने में थोड़ा लफड़ा है। हाँ, जब माँ बेटे की चिट्ठी पढ़ेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। क्यों, सही कहा ना? वो तो है। तो फिर मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दीजिए ना। हाँ ठीक है। मेरी प्यारी माँ के चरणों में इस बेटे का प्रणाम अर्पण है। मैं यहाँ आराम से हूँ, आशा करता हूँ कि आप दादा दादी काका काकी और सारे गाँव वाले ठीक होंगे। और क्या? हाँ लिखिए लिखिए। मुझे ना बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। उनका पेड़ काटने का बहुत बड़ा कारोबार है और वो लोग बहुत अच्छे भी हैं। मेरे आने से पहले ये लोग बेचारे मशीन से पेड़ काटते थे। मैं इनको यहाँ रोज औजार बना के देता हूँ। अब तो उनकी सारी मशीन बेकार है। मैं तो यहाँ मजे में हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पर खाना। और इस चिट्ठी को लिखने वाली है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम बताओ। गौरी। क्या? गौरी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ और लिखना है क्या? हाँ लिख दो कि ये चिट्ठी गौरी नाम की लड़की लिख रही है, वो बहुत ही अच्छी है और दिखने में बहुत सुंदर भी है। माँ ये सब लिखने की क्या जरूरत है? अरे माँ को पता होना चाहिए कि उसका बेटा शहर आकर अच्छे लोगों की संगत में है। अब आगे लिखो। अरे लिखो ना, लिखो। हाँ। वैसे माँ मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, और जब तेरी याद आती है ना तो लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा गाँव वापस आ जाऊँ, पर तेरा सपना भी तो पूरा करना है। इस चिट्ठी पर ना ये पता लिख दीजिए। Yeah.
आपका शुक्रिया। क्या तुम भी, शुक्रिया मुझे कहना चाहिए। तुम क्यों? आपकी वजह से आज पहली बार मुझे माँ को चिट्ठी लिखने का मौका मिला है ना, इसीलिए शुक्रिया कह रही हूँ। मतलब? माँ नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तभी वो गुजर गए। और पापा? वो गांव में रहते हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ म्यूजिक टीचर हूँ, बच्चों को वायलिन सिखाती हूँ, यही हॉस्टल में रहती हूँ। तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है क्या? खैर छोड़ो ये सब। कुछ लोग पैदाइशी अनाथ होते हैं और कुछ तो सब कुछ होने के बावजूद भी अनाथ होते हैं। अनाथ होना गलत नहीं है, पर जिंदगी में अनाथ की तरह जीना गलत है। देखो तुम्हें जिंदगी में सारी खुशियाँ मिलेंगी क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। अरे माँ को चिट्ठी लिखने के चक्कर में मैं भगवान के दर्शन करना ही भूल गया। अच्छा मैं चलता हूँ, उसमें भी वक्त लगेगा। वैसे मैंने भी दर्शन नहीं किया। ठीक है तो चलो मेरे साथ। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे आते हैं तुम्हारी क्लास में? करीब 20 बच्चे होंगे। पंडित जी। अरे आ गई तुम। हाँ। मुझे लगा तुम आज नहीं आओगी। मुझे थोड़ा काम था। लो लो आरती लो। ओम त्र्यंबकम यामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् एम्बुलेंस को देखकर तुम क्या कर रही हो? एम्बुलेंस यानी मेडिकल इमरजेंसी। शायद उसमें जो भी है वो मौत से लड़ रहा हो। भगवान से प्रार्थना की कि उसकी जान बचा लीजिए। साहबजादी यहाँ है? लगता है इस सक्का जोर है। अच्छे अच्छे नहीं बच पाए इससे। भांजे, ओ भांजे, सुनाई भी नहीं दे रहा है। सुना था प्यार अंधा होता है, यहाँ तो बहरा भी हो गया। भांजे, बहरे। मम्मी, मामा, तुम यहाँ कब आए? पूछ रहा है तुम यहाँ कब आए? लगता है तू प्यार में बावला हो गया है। क्या कर रहा था रे? मैं डुएट गा रहा था। आजकल बेसुरे भी डुएट गाने लग गए। किसके साथ? उसी के साथ जो उस दिन हमें मंदिर में मिली थी। पता है उसने माँ के लिए चिट्ठी भी लिखी, गौरी। अरे चिट्ठी लिखने वाली से ही शादी करनी थी तो हमारे गांव के पोस्ट मास्टर की बेटी का कम है, वो क्या नाम था उसका? सुशीला। सुशीला, वो एक दिन में करोड़ों चिट्ठी लिख देती तुझे। क्या मामा, उस हथनी और गौरी में कितना फर्क है। गांव की क्यों पसंद आएगी अब तुझे, शहर जो आ गया है। तो उसे बताया तूने? अभी नहीं बताया, बताऊंगा ना। हाँ जैसे कि तेरे बताती वो मान जाएगी। है क्यों भला, मुझ में क्या कमी है? ये ऐसा नहीं मानने वाला। तो एक काम करते हैं, जरा इसे एक छोटी सी रिहर्सल करवा देते हैं। एक बात कहूँ गौरी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जरा साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो तुम? मेरा मतलब है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और शादी के बाद रखोगे कहाँ? हाँ यहाँ इस फटीचर गोडाउन में। अरे तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो हम गांव चले जाएंगे ना, वहाँ आराम से रहेंगे, कोई कमी नहीं होगी वहाँ। अच्छा? हाँ तो कोई कमी नहीं है वहाँ? और नहीं तो क्या। अच्छा गांव में तुम्हारा अपना घर है वहाँ? घर नहीं महल कहो, महल। कितना बड़ा है पता है? पुश्तैनी जायदाद है वो हमारी। इतना बड़ा आंगन है हमारा, चार बड़े कमरे हैं और एक रसोई है, बहुत बड़ी छत है, गलियारा है, और क्या चाहिए, सब कुछ है वहाँ पर। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे घबराहट हो रही है। और टॉयलेट? टॉयलेट टॉयलेट यानी शौचालय। कैसी बातें कर रही हो, टॉयलेट और घर के अंदर हम नहीं बनवाते। मतलब लोटा लोटा लेकर जाना पड़ेगा मुझे? अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी नदी है उसी के पास। तो मैं ये तुम क्या कर रही हो? फोकट ये कहीं के मुझसे शादी करना चाहता है तू? हाँ अभी बता। अरे अरे क्या कर रही हो? तेरी तो ऐसे क्या समझ रहा है, दुर्गा कैसे बन गई? अरे भाई बचाओ।
एक टॉयलेट नहीं बनवा सकते तुम? इतने ऐड चल रहे हैं टीवी पर और मुझसे शादी करोगे? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, लोटा लेकर मैं नहीं जाने वाली। सरकार आजकल मदद भी कर रही है, फिर भी देखो कैसे कैसे लोग हैं। तीसरी फेल है ना तो तेरी सोच ही छोटी है। और मैं एमए पढ़ी हूँ, मुझसे बराबरी करेगा, मुझे बीवी बनाएगा? हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। देख 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 कितना फर्क है, देख क्यों है ना गोरी। तो फिर भी चला आया मुंह उठा के शादी करने। तुझे बेचारा समझकर मीठी बातें कर ली तो तू तो सीधा गले पड़ने लगा। दू क्या दो चार? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, पता चलेगा तुझे मेरे पीछे पड़ा तो अकल ठिकाने लगा दूंगी। खबरदार जो मेरे सामने आया तो इतना मारूंगी कि अपनी शक्ल ही भूल जाएगा, शादी करने के काबिल ही नहीं रहेगा, याद करेगा जिंदगी भर। ठीक है ठीक है, मुझे नादान समझकर माफ कर देना, उठ जाऊं क्या? आईने में सूरत देखी अपनी? अच्छा, बड़ा आया था शादी करने और मुझसे? हाँ आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, कैसे कैसे लोग गले पड़ जाते हैं, समझते क्या है अपने आप को? गौरी तुम तो ऐसी ना थी, लगता है किसी भूत प्रेत का साया है। ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। भांजे। हाँ मामा। इन लड़कियों के नाटक किस किस तरह के हो सकते हैं ये तू बिल्कुल नहीं जानता है, ये तो शुरुआत थी, सोच ले एंड कहाँ हो सकता है। मामा। इधर इधर बैठ 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 जा, ये मत भूल कि हम गांव से यहाँ आए सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो मोहब्बत बंद, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ मेरे भांजे। पता है वो कितनी अच्छी लड़की है, ढूंढने पर भी ऐसी लड़की नहीं मिलती। उस दिन एम्बुलेंस जा रहा था तब मैं उसके साथ था, अनजान आदमी की जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रही थी वो। इतनी अच्छी लड़की कहीं मिलेगी भला? अब मिली है तो हाथ से क्यों जाने दूं? अजनबी के लिए इतना कर दिया, सोचो मेरे लिए क्या क्या करेगी। माँ ने कहा था तुम्हें एक राजकुमारी जैसी लड़की मिलेगी, लेकिन मुझे राजकुमारी ही मिल गई। बेटा दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मामा ये ढोल जब पास आ जाएगा ना तब भी सुहावना ही लगेगा। और एक बात, वो मेरे लिए बनी है और मैं उसके लिए बना हूँ। अब ज्यादा दिमाग मत खाओ वरना दूंगा तुम्हें भी एक तेवर। देखो राजा को रानी से प्यार हो गया। छोटी नाली से कचरा निकालना आसान होता है, लेकिन ये तो गटर के अंदर कूद रहा है, मरेगा। कूद बेटा गटर में, कूद कूद के जब बाहर निकलेगा ना तो उसकी बदबू से तू फुदक फुदक फुदकता रह जाएगा। बच्चों तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है आज आप यहाँ? तुमसे कुछ काम था इसलिए आया। माँ के लिए चिट्ठी लिखवानी है? हाँ चिट्ठी तो लिखवानी ही है, तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। बोलिए ना। पहले आप गर्मा गर्म कॉफी पीजिए, बात तो होती रहेगी। दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। देखा ना हिचकी बंद करवा दी ना मैंने। मेरी माँ कहती है अगर किसी को हिचकी आए और उसे रोकना हो ना तो उसे कुछ ऐसा कह दो जो सुनकर उसे धक्का लग जाए। आप भी ना। मैं तो स्टाइल ही ऐसा है मैडम, हम तो हम हैं, बाकी सब पानी कम है। वैसे मैंने जो भी कहा वो सिर्फ तुम्हारी हिचकी रोकने के लिए नहीं कहा। प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी है, उसे छुपाना गलत बात होती है। दिल में कभी कुछ रखना नहीं चाहिए, जो भी दिल में है उसे फटाक से बोल देना चाहिए, ऐसा मेरी माँ कहती है। मैंने तो अपनी तरफ से क्लियर बता दिया, तुम्हें अभी के अभी जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, कहाँ गया? ये लो, ले लो। क्या है और इस पर हल्दी क्यों लगी हुई है? आप इसकी पूजा वूजा करके लाए हैं क्या? ये प्रेम पत्र है और मेरे लिए प्यार ही पूजा है। अरे ये क्या, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। लिखा हुआ है ना, अगर तुम भी मुझसे दिल से प्यार करती हो ना तो तुम इस कोरे कागज में मेरे दिल की बात आराम से पढ़ सकती हो, पढ़ लेना।